हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं वो आपका स्टैटिक जीके का जो है सेशन रहेगा, और वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि इंडिया एट ग्लैंस के ऊपर रहेगा। तो एक ही नज़र में हम इंडिया का के बारे में जानेंगे और जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। येस, रोशन ऋतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। येस, गुड इवनिंग। येस ऋतिक, एक्चुअली जो आपके स्टैटिक जीके के क्लासेस हैं वो मैं ही लूंगी और सर जो है वो रीजनिंग और मैथ्स का जो है वो देखेंगे। ठीक है, यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। और सभी को मैं बता दूं कि आज का जो सेशन रहेगा वो हम पूरे वर्ल्ड से इंडिया की तरफ जाएंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट है और उसमें इंडिया जो है वो एक कंट्री है। ठीक है, तो हर एक चीज जो कि आपको क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो हर एक चीज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेशन में बने रहना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं है तो सीरियस एफकेट या किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट जो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, मंजिल सीरियस बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच रहेगा। अलग अलग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स करवाएंगे। संदीप सर यहाँ पे मैथ्स करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो दिसंबर 29 से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अभी इनिशियल क्लासेस हो रही हैं, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा नया साल शुरू हुआ है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल से नया रेजोल्यूशन होगा, न्यू गोल होंगे। तो 23% ऑफ दे रही है अनअकैडमी सीडीएस एफकेट सब्सक्रिप्शन पे। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलने वाला है। तो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल नहीं किया है तो वो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे भी देख सकते हैं सीडीएस एफकेट के अलावा CAPF बैच में भी सेम आपको ऑफर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये ऑफर जो है वो आपके लिए रहेगा और लिमिटेड टाइम के लिए है, तो बैच भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ आप सभी को पता होगा कि कोड आपको एक यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि रहेगा करियर स्टडी लाइफ। ये कोड जो है वो यूज कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, तो ये कोड है जो आपको यूज करना है। ठीक है, करियर स्टडी लाइफ लाइफ, सो दैट कि आपको सब्सक्रिप्शन में जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है वो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अर्श यादव जी, आज ही से स्टार्ट हुई है ये फ्री क्लासेस जो जीके की होनी थी, तो ये क्लासेस को कंटिन्यू आप जरूर फॉलो कीजिएगा। दीज आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुनेंगे। हर एक लाइन जो है इसमें पीडीएफ में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो आप सभी को पता है या तो यहाँ पे जो है लैंड एरिया होता है या फिर वाटर एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि सी हो गए, ओशन हो गए। ठीक है, तो पूरी धरती, मतलब जो धरती वाला एरिया है पूरे विश्व में, तो उसको 7 जियोग्राफिकल रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 जियोग्राफिकल रीजन में जो है पूरी की पूरी जमीन को, ठीक है, वाटर एरिया नहीं मैं बोल रही हूँ, जो जमीन है यहाँ पे आप देख सकते हो जमीन वाला एरिया अलग अलग कलर से दर्शाया है। तो 7 जियोग्राफिकल रीजन्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट ही क्यों बने, क्योंकि उनमें अलग अलग, मतलब जिनकी अलग अलग सिमिलैरिटीज लग रही थी, उनका वेदर एक जैसा था या वहां पे एनवायरमेंट का कुछ इफेक्ट एक जैसा था, तो उनको हमने 7 भागों में पूरे विश्व की धरती को बांट दिया। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट
यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है, ये पूरे के पूरे 7 जो है आपको कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। सबसे बड़ा अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑरेंज वाला सारा आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, आपको विजिबल भी हो रहा होगा। फिर आता है अफ्रीका, यहाँ पे आप अफ्रीका देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका है, फिर आपका साउथ अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है, फिर आपका यूरोप आता है रेड वाला, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दैट इज एशिया। और सबसे बड़ा सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इस धरती को तो हमने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इन भागों में, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में आगे क्या बट गए? आगे इनमें कंट्रीज बट गई। जैसे एशिया महाद्वीप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो हर एक कॉन्टिनेंट्स में बहुत अलग अलग जो है कंट्रीज आती हैं। और जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसी में हमारा भारत, हमारा देश, महान जो भारत है वो एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी में जो है ये उसी कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसी में हमारा भारत आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि पूरे धरती में जो है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और उसमें भारत आता है। तो अब हम भारत के ऊपर ही जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है भारत का, ठीक है। देखो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रह जाता है, दैट इज कि जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको करनी होती है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरा मैप इंडिया में कौन सी स्टेट जो है वो कौन कहाँ पे है, और कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, कौन वहां पे सीएम है, कौन वहां पे गवर्नर है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, एक तो करंट अफेयर्स में, और दूसरा आप कोई भी टॉपिक उठाओ, अगर मैं बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा है या वैसा है, यहाँ पे ऐसी जलवायु है, तो आपको पता होगा कि कहाँ की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश की बात करो तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ में है, ठीक है। इसी तरह से केरला है, या फिर यहाँ पे जो हमारे ईस्ट में स्टेट्स है, तो वहां पे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो हर एक स्टेट का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो ये मस्ट है कि आप सारे के सारे स्टेट्स का लोकेशन याद करो, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप एक बार रीड करो। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसके पास पंजाब है, उसी के साथ उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, उसके पास उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान सबसे बड़ा जो स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको ब्लैंक जो आपके पास नेट में भी आप देख सकते हो, ब्लैंक जो मैप आता है उस पे हर एक स्टेट को देखो, उसके साथ में कैपिटल को देखो कि कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है और कौन से स्टेट की कौन सी लोकेशन है। तो ये बहुत ही मस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। आई ट्राई कि मैं आपका टेस्ट भी लूं, सो दैट कि आप साथ साथ में चीजों को करते जाएं। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये चीजों को साथ साथ में करते जाएंगे तो आपके एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया जो कंट्री है वो साउथ एशिया में है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके साउथ में जो है वो इंडिया जो कंट्री है हमारा वो आता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख भी सकते हो, ये पूरा एशिया है और एशिया के साउथ में, ठीक है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ होगा ना, एशिया को अगर हम देखें तो इसके साउथ में जो है वो इंडिया कंट्री जो है वो स्थित है। साथ ही साथ इंडिया जो है ये 7th
लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है, सबसे बड़ी जो कंट्री है एरिया वाइज वो कौन सी है, रशिया, ठीक है। अगर हम देखें सातवें नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे तो रशिया है, और अगर हम देखें सातवें नंबर पे तो वो है हमारा इंडिया, ठीक है, और ये किस वाइज है, एरिया वाइज। अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पे है चाइना और सेकेंड नंबर पे है इंडिया, ये है पॉपुलेशन वाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि हमारी जो कंट्री है इसकी डेमोक्रेसी की वजह से जो है ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज बॉर्डर्ड बाय, मतलब जो इसके पड़ोसी देश है, ठीक है, अब हमारी कंट्री है, ठीक है, उसके आसपास कुछ पड़ोसी भी होंगे, कुछ और कंट्रीज भी होंगी, तो उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारी कंट्री का जो इंडिया का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है वेस्ट में, ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान है वेस्ट में, इसके अलावा अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ साइड यहाँ पे अफगानिस्तान लगता है, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सा एरिया। फिर चाइना, नेपाल नॉर्थ पे है, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये देखो, ये चाइना है, म्यांमार है, इसके अलावा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो ये सारे पड़ोसी देश हैं जो कि किसके साथ लगते हैं, इंडिया के साथ, जो अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए, इट्स थ्री साइड्स आर गार्डेड बाय ओशंस, ठीक है। देखो ऊपर से तो ये बिल्कुल कंट्रीज हैं, लेकिन इसके तीनों साइड से, एक दो तीन, तीन साइड पे क्या है, समुद्र है, ओशंस के साथ ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल है इसके साउथ ईस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। फिर अगर हम देखें, इस इंडियन ओशन है साउथ में, बिल्कुल साउथ की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ओशन, ठीक है। और अगर हम बात करें टू दी दिस साइड, जो कि अरेबियन सी है, जो कि है साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो इस तरह से साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है, और साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी, ठीक है। तो आपको देखो माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर तभी मिलते हैं जब आपको पता होगा कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, इंडियन ओशन कहाँ पे है, अरेबियन सी कहाँ पे है, ठीक है, चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑलमोस्ट टू द सेंटर ऑफ द कंट्री, ठीक है, सेंटर मतलब ऑलमोस्ट सेंटर से ही जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस है, इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। फिर अगर बात करें तो हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और हमारे देश की कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है। दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जहां से आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारी आपकी कंट्रीज बताई गई हैं जो कि आपके बॉर्डर एरिया में आती हैं, जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है, उसकी कैपिटल बनाई गई है काबुल, और ये कहाँ से जुड़ी हुई है, इंडिया से, लद्दाख के थ्रू जुड़ी हुई है। फिर है बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका, ये कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है। और जब आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखोगे तो चीजें आपके लिए और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मैप से इन चीजों को याद रखो। जैसे बांग्लादेश है, देखो इसके इस साइड वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, असम है, ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको और भी ज्यादा जो है वो क्लियर
क्लियर रहेंगी। इसी तरह से भूटान बताया है जिसकी कैपिटल थिम्पू है, और ये स्टेट्स जो है वो इंडिया की भूटान के साथ लगती हैं। फिर चाइना है जिसकी कैपिटल जो है वो बीजिंग है, इसके साथ ये सारी स्टेट लगती हैं। फिर म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है एंड मालदीव्स है। तो ये सारी जो है, और मैंने पहले श्रीलंका को कंसीडर नहीं किया, उसके पीछे ये रीजन था कि पहले मैं बता रही थी जो लैंड एरिया के साथ शेयर है, ठीक है, लैंड के साथ शेयर है मतलब जिनके दीवार के साथ दीवार लगती है। ये जो श्रीलंका है ये समुद्र रास्ते से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लैंड के थ्रू नहीं, समुद्र रास्ते से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वो श्रीलंका है, या आप कह सकते हो मालदीव है। तो ये सारे जो है वो समुद्र के थ्रू जो है वो इंडिया के साथ जुड़े हुए अन्य देश है, ठीक है। तो बॉर्डर कंट्रीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसकी क्या कैपिटल कैपिटल है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंडिया का लोकेशन है, ठीक है, 82°30' लोंगिट्यूड्स पे है, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टाइम देखा जाता है। तो टाइम जो है इसका, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, आप सभी को पता होगा कि पूरे विश्व का टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है, जो कि लंदन में है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल टाइम जो है वो देखा जाता है। तो उस टाइम से 5.5 घंटे जो है वो इंडिया का टाइम आगे है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है कि जो इंडिया का टाइम है वो कितना घंटे जो है वो आगे है इंटरनेशनल टाइम से, तो वो कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि ये जो ग्लोब होता है इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं। अब उन इमेजिनरी लाइंस का मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, कहाँ पे साइक्लोन आएगा, कहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ग्लोब पे बनाई जाती हैं। अगर ये लाइंस इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से सीधी लाइंस हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, तो उनको लाइन ऑफ लेटिट्यूड बोलते हैं। अगर ये लाइंस, ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में हो तो उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ठीक है, इस तरह से याद रखो, लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लेंथ में बड़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो लैटिट्यूड में सबसे बड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, और जो लॉन्गिट्यूड में सबसे मध्य की लाइन होती है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड में जो बीच में रेखा आती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड में जो बीच में रेखा आती है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेटिट्यूड की लाइंस को भी ध्यान से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो लेटिट्यूड की लाइंस होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, थीके? दे आर रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस द क्लू अबाउट वट द क्लाइमेट विल बी लाइक, ठीक है, कि क्लाइमेट जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि वी नो दैट प्लेसेस आर अलोंग द इक्वेटर, अगर हमें ये पता हो कि जो प्लेसेस इक्वेटर की तरफ है, जैसे ये हो गया साउथ अमेरिका, हो गया अफ्रीका का कुछ एरिया आ गया, या फिर कुछ एशिया का हिस्सा आ गया, तो इक्वेटर पे जो है अलोंग द इक्वेटर एंड हॉट एंड रेनी ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है, एंड प्लेसेस अबव द आर्टिक सर्कल आर कोल्ड एंड स्नोई, ठीक है। जो इक्वेटर के पास है वो गर्म रहता है, और जो आपका आर्टिक सर्कल के पास है, ठीक है, वो कैसा रहता है, आर्टिक सर्कल ये है, इसके पास जो एरिया है वो पूरा साल कोल्ड रहता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट जो है वो रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है लैटिट्यूड की, ठीक है, लैटिट्यूड इस तरह से होता है, लेटी हुई रेखा है, तो सबसे बीच में आती है इक्वेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके 23.5
नॉर्थ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और नीचे ही उतना देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसके अलावा अंटार्कटिका सर्कल होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर साउथ नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल होता है, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल 66.5 जो नॉर्थ पे होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर पे 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 नॉर्थ पे आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका सर्कल, ठीक है, साउथ और नॉर्थ में, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, लैटिट्यूड का ये, यहीं पे मैं आपको लॉन्गिट्यूड का बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूड पे सिर्फ एक है जो कि है प्राइम मेरिडियन, जो कि सबसे बीच में आती है, तो यहाँ पे वो भी शो की गई है, ठीक है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूड है। क्लियर हो रहा है सभी को? सभी स्टूडेंट जो प्रेजेंट डे क्लास में बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ, क्लास अच्छी लग रही है आप सभी को, एक्सप्लेनेशन, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। पता लग गया आपको लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिका सर्कल। यस और नो? जल्दी से बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लाइंस रहती हैं। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये आपको हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और इनमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट, अगर स्टेट्स की बात करें, अब हमने देख लिया कि हमारा जो इंडिया है उसमें कितनी स्टेट्स हैं, उसमें कौन कौन सी इमेजिनरी लाइंस जो होकर गुजरती हैं, ठीक है, ठीके? और इंडिया में हमने मैंने बता दिया ना कि इंडिया में जो है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सभी को पता लग गया ना, जो कि ये देखो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जा रही है, ये इंडिया है और इसके बीच में से गुजर रही है, ठीक है। तो इंडिया से जो गुजरती है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इन सभी रेखाओं में से। नेक्स्ट, अगर हम देखें लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें एरिया वाइज, तो वो है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो है सिक्किम, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन वाइज और ये हो गया एरिया वाइज, ठीक है, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो पूरे भारत में अभी 707 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। देखो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स में जो है आती हैं कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज में आते हैं स्टेट्स, स्टेट्स में आते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को आगे वार्ड्स में या पंचायती सिस्टम में वो सब चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक सिस्टम सो दैट कि जितना स्मॉल सिस्टम कर देंगे उतना ही लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने में इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो नेशनल सिंबल है दैट इज आर नेशनल फ्लैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करें, जस्ट वेट, हाँ, सबसे पहले अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करें, जिसको हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसको एडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट कि नेशनल फ्लैग जो हमारा है तिरंगा, इसको कौन सी डेट को जो है अडॉप्ट किया गया था, तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, जिसका काम था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश
का संविधान बनाना, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश में कानून जो है और हर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क कर सके। नेक्स्ट अगर देखें तो पिंगाली वेंकैया जो थे वो इस नेशनल फ्लैग के डिजाइनर थे। ठीक है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फ्लैग जो है वो हमारा किसने जो है डिजाइन किया था। फिर अगर बात करें विड्थ रेशो की तो 2:3 में इसको बनाया जाता है। द कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट सम मीनिंग, जो इसमें सैफ्रन कलर होता है दैट स्टैंड्स फॉर करेज। फिर आता है सेक्रीफाइस एंड स्पिरिट ऑफ रेनुंसिएशन। व्हाइट कलर जो है ट्रूथ एंड प्योरिटी को दर्शाता है। फिर ग्रीन कलर फेथ फर्टिलिटी फर्टिलिटी एंड अशोक चक्र जो है वो इसके सेंटर में रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ लॉ, एंड इसके 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, 24 इसमें ये जो डंडियां होती है छोटी छोटी, तो 24 जो है वो इसमें स्पोक्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कब इसको एडॉप्ट किया गया, इसके डिजाइनर कौन थे, रेशो क्या है, 24 इसमें स्पॉक्स हैं। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें तिरंगा के बारे में, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो लॉइन कैपिटल सारनाथ, लॉइन कैपिटल अडॉप्टेड फ्रॉम अशोक स्तंभ पिलर ऑफ सारनाथ। तो ये जो एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया है, लॉइन कैपिटल। ठीक है, इसको अशोक का जो स्तंभ है, पिलर है सारनाथ में, वहां से इसको एडॉप्ट किया गया है, वहां पे ये बना हुआ है, तो वहीं से एम्बलम ऑफ इंडिया को लिया गया है और इसको एडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल एम्बलम। कितनी कौन सी तारीख को, 26 जनवरी 1950। ये इम्पोर्टेंट डेट है कि नेशनल एम्बलम को किस तारीख को जो है एडॉप्ट किया गया। फिर अगर बात करें तो किंग अशोका बिल्ट दिस स्तंभ ड्यूरिंग हिज रेन टू पॉपुलराइज द बुद्धा धर्म। ठीक है, तो जो किंग अशोका थे उन्होंने ये स्तंभ बनाया था ताकि वो बुद्ध धर्म का प्रचार कर सके। ठीक है, इन अशोक स्तंभ 4 इसमें लॉइंस हैं, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे। अभी यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, एक इसके बैक साइड पे है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट पावर करेज कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। एंड अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज टेकन फ्रॉम दी धर्म चक्र। इसी से जो है, जो हमारे फ्लैग में भी चक्र है वो भी अशोक चक्र के धर्म चक्र से जो है वो लिया गया है। और इसके ऊपर वर्ड्स भी लिखे हैं जो कि हैं सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसको कब लिया गया था, कहाँ से लिया गया था और कहाँ पे है ये स्तंभ बना हुआ, सारनाथ में बना हुआ है। 26 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा गया है, तो हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है हमारे देश का नेशनल एंथम है जन गण मन, जो कि और 24 जनवरी 1950 इट वाज एडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को किस वर्ष एडॉप्ट किया गया। तो वो जो ईयर था और डेट था दैट वाज ऑन 24 जनवरी 1950 इट वाज एडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इट वाज रिटन बाय नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो लिखा गया था। एंड इट इज द फर्स्ट 5 स्टैंजा ऑफ ब्रह्म हायमन। ठीक है, एक ब्रह्म हायमन था, उसी का फर्स्ट 5 जो स्टैंजाज हैं वही हमारा नेशनल एंथम है। और ओरिजिनल पोएम जो है, देखो जब सबसे पहले जब नेशनल एंथम लिखा गया था तो इसको ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, बाद में इसको अदर लैंग्वेज या हिंदी में ट्रांसलेट किया, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है उसको ओरिजिनली, मतलब उसको फर्स्ट टाइम जब लिखा था तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से लैंग्वेज में लिखा था, तो उन्होंने इसको बंगाली में लिखा था।
इट वॉज ट्रांसलेटेड टू हिंदी बाय आबिद अली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, आबिद अली ने. जनगण मन वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 इन द कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही पुरानी जो है पार्टी है, जिसकी शुरुआत 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी. ठीक है, तो उन्हीं का एक सेशन था. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था. कहाँ पे हुआ था? कैलकट में. ठीक है, तो वहीं पे इसको जनगणमन को फर्स्ट टाइम गाया गया था. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, गीतांजलि इज द बेस्ट नोन कलेक्शन ऑफ पोएट्री. ठीक है, तो गीतांजलि जो है वो बेस्ट नोन कलेक्शन है पोएट्री की. ठीक है, तो आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 1913 में. और श्रीलंका नेशनल एंथम मथा वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं के द्वारा जो है वो इंस्पायर्ड है. एंड ही रोट 8 नॉवल्स. तो ये अलग अलग नॉवल्स है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो अभी हमने पढ़ा था नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है 1950 में द फर्स्ट टू वर्सेस ऑफ वंदे मातरम वो सिलेक्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. तो वंदे मातरम तो पूरा एक सॉन्ग है, लेकिन उसके जो पहले दो अध्याय हैं तो उसको एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया. और इस सॉन्ग को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि नेशनल सॉन्ग जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था. ठीक है, और इन्होंने कौन से अपनी नोवेल में लिखा है इसको? आनंद मठ में. हर एक पॉइंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सॉन्ग किनके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और ये कौन सी नोवेल में उन्होंने लिखा था? आनंद मठ में. जादूनाथ भट्टाचार्य कंपोज द म्यूजिक. ठीक है, इन्होंने इसको म्यूजिक दिया था 1896 में. रविंद्रनाथ टैगोर संग द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. द सॉन्ग वॉज यूज प्रोमिनेंटली इन द इंडियन मूवमेंट ऑफ जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था इंडिया का, तो उसमें इसको यूज किया गया. ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, कब इसको जो है फर्स्ट टाइम गाया गया और कब इसको जो है सिलेक्ट किया गया एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल कैलेंडर इंडिया का कौन सा है? तो नेशनल कैलेंडर इंडिया का है साका कैलेंडर, जिसको 1957 में जो है इट वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है. ठीक है, जो कि है लोटस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर है इंडिया का. लोटस इज अ सेक्रेड फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया एंड हैज बीन एन ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि लोटस को बहुत ही शुभ माना जाता है. ठीक है, जो कि नेशनल फ्लावर है इंडिया का. ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज पीकॉक. ठीक है, और 1963 में पीकॉक वॉज डिक्लेयर एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया और इसको प्रोटेक्ट किया गया इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अधीन. ठीक है, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है? पीकॉक. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर. टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन इंडिया, प्रोटेक्ट इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया था 1973. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है
उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो वो था ईयर 1973। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें और भी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपने फिर भी एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ईयर है या फिर नेशनल सिंबल्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो है। आप सभी को पता है कि बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही वेराइटीज यहाँ पे इंडिया में इसकी देखने को मिलती है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो नेशनल फ्रूट जो इंडिया का है दैट इज मैंगो। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया का, तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है बनियान, दैट इज अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बनियान ट्री है दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेट ट्री बाय मेनी रिलीजन, इट इज कॉल्ड एज दी वट वृक्षा इंसिस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वट वृक्ष किसको बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो दी नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज बनियान ट्री। ठीक है, तो उसी को जो है वट वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये थी आपके इंडिया के ऊपर ओवरव्यू, एंड प्लस हमने देखा आज के चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स, इंडिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर हमने इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर एरियाज थे या फिर नेबरिंग कंट्रीज थी उनके बारे में देखा, और फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में समझा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 5.5 घंटे जो है इंडिया का टाइम जो है वो इंटरनेशनल टाइम से आगे है। फिर हमने लैटिट्यूड में कौन कौन सी रेखाएं आती है वो देखी, लॉन्गिट्यूड में जो रेखा आती है वो सिर्फ एक ही है, वो है प्राइम मेरिडियन, जिसको भी हमने अभी देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट एरिया वाइज सबसे बड़ा और छोटा, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। फिर हमने इंडिया के नेशनल सिंबल्स को देखा, नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है, नेशनल एम्बलम अशोक चक्र, नेशनल एंथम जनगणमन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल कैलेंडर जो कि साका है, फ्लावर नेशनल लोटस है, बर्ड नेशनल पीकॉक है, एनिमल नेशनल सभी को पता है कि टाइगर है। इसके अलावा नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है, और नेशनल ट्री जो है वो बनियान ट्री है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो आपका पूरा रहा। ठीक है, और कल आपका होमवर्क यही रहेगा कि अच्छे से स्टेट्स का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेट कहाँ पे है, और साथ ही ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट का कैपिटल कौन सा है, सीएम कौन है, और वहां पे गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज मुझे बताइएगा, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको ये सेशन जो है वो किस तरह का लगा, क्योंकि हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो लेके आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स कैसे रही आज सभी की क्लास, प्लीज सेंड मी योर फीडबैक। यस, चलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी थी। अलंकृत को तो बहुत अच्छी लगी, दैट्स गुड। चलिए तो ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।